नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण थाने के केबिन में जलभराव और थाना के इंस्पेक्टर सुभाष अत्री को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। एलएनटी में तेल माफियाओं के हौसले बुलंद, एलएनटी यार्ड में चल रहे वाहनों से हो रहा तेल चोरी। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ की परतारपुर कोतवाली में जमकर फल फूल रहा है तेल चोरों का कारोबार। भारत के प्रथम रीजनल रेल निर्माण में लगी एलएनटी कंपनी के कई बड़े वाहनों से चोरी करके निकाला जाता है हजारों लीटर तेल। जहां जिले में एसएसपी प्रभाकर चौधरी के चार्ज लेते ही जिले के सभी अवैध धंधे बंद हो गए, वहीं परतापुर क्षेत्र में तेल माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह वाहनों से तेल चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल भारत के प्रथम रीजनल रेल निर्माण में लगी एलएनटी कंपनी के कई बड़े वाहन निर्माण कार्य में लगे हैं, जिनसे चालक व परिचालक तेल माफियाओं की मिलीभगत कर एलएनटी के वाहनों से तेल चोरी करा रहे हैं। ऐसा ही मामला सोमवार दोपहर देखने को मिला। एलएनटी यार्ड के पीछे छुपकर ट्रक से तेल चोरी कर रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया और ट्रक चालक के ड्रम और कैन कब्जे में लेकर ट्रक चालक व तेल माफिया को सांठगांठ कर छोड़ दिया। सोचने वाली बात यह है कि पुलिस ने रंगे हाथों आरोपियों को सबूत के साथ पकड़ा तो लेकिन बिना किसी कार्यवाही के तीनों आरोपियों को छोड़ भी दिया। प्रवीण कुमार, जनपद मेरठ, यूपी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनोद कुमार कक्का व पूर्व विधायक प्रदीप यादव तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधुना तहसील पर पहुंचकर उपजिलाधिकारी को पत्र सौंपा। समाजवादी पार्टी का प्रदेश स्तर पर हर जिले की तहसील पर महंगाई व पंचायत चुनाव में धांधली व पेट्रोल डीजल गैस महंगाई चरम सीमा पर है, जिसे आम आदमी परेशान है और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनोद कुमार कक्का एवं प्रदीप यादव पूर्व सांसद ने कहा कि सत्ता पक्ष के गुंडे थाना चला रहे हैं। लगाया आरोप को लेकर धरना प्रदर्शन का ऐलान को देखते हुए ज्ञानपुर सदर तहसील में सुरक्षा की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए भारी फोर्स तहसील विधुना के मेन गेट पर तैनात है। नितेश यादव की रिपोर्ट। यह जो विकास ने एक आरक्षण के लिए मुद्दा उठाया है कि जो दो बच्चे जिसके हैं ज़्यादा करता है तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आरक्षण यदि उठाया गया है तो हर चीज़ पर लागू होना चाहिए, ये नहीं हर पद के लिए लागू होना चाहिए। और केवल ढिंढोरा पीटना और लोगों को भ्रमित करने वाला ये जो चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसके सभी लोग इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये एक सी व्यवस्था नहीं है, एक सी व्यवस्था ही समाज में स्वीकार की जाती है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग सरकार की विरोध नीति जो है उसके विरोध में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो उसमें मैं कहना चाहूँगी कि अभी आपने देखा कि पिछले महीने जिला पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ और अभी 4-5 दिन पहले ब्लॉक प्रमुख का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें जिस तरह से जबरदस्ती वोट